अब गाइस आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे आप लोग YouTube के थ्रू $2,000 पर मंथ जनरेट कर सकते हो सिर्फ कॉपी पेस्ट मेथड के थ्रू। अब गाइस अगर आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को बाद में वॉच कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को ऐसा लगे वीडियो देखने के बाद कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ नहीं सीखा तो आप लोग कभी भी हमारे चैनल को दोबारा विजिट मत करना। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरा देखना है, चाहे तो आप लोग वीडियो को बाद में देख सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी। बिकॉज सारे प्रोसेस दिखाऊंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा कैसे आप लोगों को वीडियो बनाने हैं, कैसे आप लोगों को ये कॉपी पेस्ट मेथड यूज करना है एंड कैसे आप लोग यहाँ पर $2,000 जनरेट कर सकते हो पर मंथ। इससे भी ज्यादा जनरेट कर सकते हो, बट एक मैं मिनिमम टारगेट यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। अब गाइस करना क्या होगा वो सब हम यहाँ पर देखने वाले। सबसे पहले YouTube पे मैंने एक चैनल आप लोगों के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि एग्जांपल चाहिए होते हैं, सबूत के साथ मैं काम करता हूँ। सबसे पहले आप लोग एक चैनल देख सकते हो जिसका नाम है कोर्ट्स। अब गाइस यहाँ पर ये चैनल इंडिया का नहीं है। अगर मैं आप लोगों को सोशल मीडिया के अंदर दिखाऊं तो ये चैनल USA बेस्ड कंट्री का चैनल है। एंड गाइस जो इसके लास्ट 30 डेज में व्यूज आए हैं वो आए थे 1.77 मिलियन। अब गाइस जो इसकी अर्निंग हो रही है वो करीब $2,000 पे हो रही है, जो आप लोगों को ये मिनिमम देखने को मिल रहा है $444 एंड जो हाईली है वो $7,000। बट यहाँ पर इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 3 गुना होती है, तो यहाँ पर जो $2,000 ये जनरेट कर रहा है पर मंथ। अब गाइस इससे ज़्यादा आप लोग जनरेट कर सकते हो, एक ऐसा चैनल नहीं है ये। इसके अलावा आप लोग अगर यहाँ पर आकर देखते हो तो आप लोगों को ऐसे मल्टीपल्स यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जो यहाँ पर आप लोग को क्विट्स देते हैं। बट आप लोगों को अब यहाँ पर वीडियो कैसे बनानी है वो यहाँ पर हम देखेंगे एंड कहाँ से आप लोगों को कंटेंट फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ से क्या क्या चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, कहाँ से आप लोगों को क्यूट्स मिलने वाले हैं, प्लस यहाँ पर कैसे एडिट होगी काइन मास्टर से, प्लस यहाँ पर थंबनेल कैसे बनाओगे एंड यहाँ पर कहाँ से आप लोगों को ये सब कॉन्टेंट मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं। अब सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्यूट्स आप लोग ये कहाँ से लोगे जो, एंड सबसे पहले आप लोग देखिए गूगल पे आप लोगों को आना है एंड गूगल पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आकर के लिख लेना है मोटिवेशनल क्यूट्स कैप बैग। अब यहाँ पर जब लिखोगे आप ये क्यूट्स तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए जैसे आप 100 लिखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इमेज मिल जाएंगे, बट यहाँ पर आप लोग ऑल पे जब आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक वेबसाइट मिल जाएगी। ये पहले नंबर पर 100 इंस्पिरेशनल क्यूट्स फॉर इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर्स। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसके अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद इस वेबसाइट के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये एक दो मतलब 100 से ज़्यादा है। और यहाँ पर जो हम ये लेते हैं देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोग ये सब अपना लिख सकते हो कहीं पर भी, चाहे तो आप लोग ये व्हाट्सएप में डाल सकते हो या फिर अपने नोटबुक के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टैप आता है, नेक्स्ट टैप आता है कि किस तरह से आप लोगों को ये वीडियो बनानी है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जितने भी आप लोगों को ये क्यूट्स देखने को मिल जाते हैं सब में यहाँ पर इनके नीचे इनके नाम लिखे होते हैं। किसने ये लिखा है तो माई बिगेस्ट मोटिवेशन जस्ट टू कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ, इसको लिखा है रिचर्ड ब्रांसन ने। अब गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे आना है। सिंपल गूगल पे जाने के बाद हम क्या करेंगे देखिए, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ रिचर्ड ब्रांसन की हमें यहाँ पर एक इमेज ले ली है। सिंपल सर्च करते हैं यहाँ पर हम रिचर्ड ब्रांसन एंड यहाँ पे हम सर्च कर देते हैं रिचर्ड ब्रांसन और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर इमेज पर और इमेज पे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देखिए बहुत सारे इमेज मिल जाते हैं। तो सिंपल ये इमेज यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, यहाँ से कोई भी एक इमेज ले सकते हैं एंड उस इमेज को यहाँ पर अब लाना है सीधे हमें काइन मास्टर के अंदर। और काइन मास्टर के अंदर हम चलते चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं कैसे आप लोगों को ये जो क्यूट्स इन्होंने लिखा है वो हमें यहाँ पर मोबाइल में टाइप करना है। दोस्तों तो अब आ चुके हैं हम यहाँ पर काइन मास्टर पे एंड काइन मास्टर पे आने के बाद सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना है। 16:9 का जो यूट्यूब फ्रेम है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आप लोग कोई भी एक बैकग्राउंड ले सकते हो। सपोज करो हमने ये बैकग्राउंड ले लिया है क्योंकि थोड़ा से ऐसे ही कलर के होते हैं जो मोटिवेशनल बैकग्राउंड्स होते हैं। इसके बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और मीडिया पे जाने के बाद हमने रिचर्ड ब्रांसन का फोटो डाउनलोड यहाँ पे कर लिया था। अब सिंपल इसको क्या करना है, कुछ इस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्रॉपिंग पे आओ, क्रॉपिंग पे आने के बाद ये थोड़ा सा आप लोगों ने कुछ इस तरह से कर देना है। अब जब आप लोग कुछ इस तरह से कर दो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर बैकग्राउंड से मैच हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को यहाँ पर ब्लैक कर लेते हैं तो अभी आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड से यहाँ पर मैच हो गया। थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है बट यहाँ पर फेड को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनका जो क्यूट्स है वो यहाँ पर हम इनका लिख लेते हैं। उसके लिखने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं उनका क्यूट्स।
गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर तीनों लाइन लिख ली है। पहली लाइन हमने यहाँ पर ये लिख सकते हैं ऊपर लिख ली है, एंड गाइस उसके बाद सेकंड में, उसके बाद थर्ड में यहाँ पर हमने तीनों यहाँ पर लिख लिया है। इसी तरह से कुछ आप लोगों को लिखना होगा। एंड जैसे यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें लिख लेते हो, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक वॉइस रिकॉर्ड करनी है, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। वॉइस पे आने के बाद यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। माई हाइएस्ट मोटिवेशन जस्ट टू कीप चैलेंजिंग, आई सी लाइफ ऑलमोस्ट लाइक डन। इस तरह से आप लोगों ने रिकॉर्ड करनी है। अभी मैं आप लोगों को सुनाकर भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आप लोग ये सुन सकते हो, चैलेंजिंग आई सी लाइफ, एंड ये सब चीज़ें आप लोगों ने फिर इन पिक्चर्स को लंबा कर लेना है। जहाँ पर भी आप लोगों की ये शायरी खत्म हो जाएगी, जहाँ पर भी आप लोगों का ये मोटिवेशनल कोट्स खत्म हो जाएगा, वहाँ तक आप लोगों ने ये ले लेना है। अब गाइस इसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे आने के बाद आप लोग सिंपल इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करके आप लोगों को, जैसे ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाता है, उसके बाद मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड करना है। एंड उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आप लोग इसका थंबनेल कैसे बना सकती हो। अब गाइस थंबनेल बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि काइन मास्टर से ही मैं आप लोगों को एक ऐसी ईजी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप लोगों का थंबनेल भी उसी तरह का बनेगा जिस तरह के आप लोगों ने उस यूट्यूब चैनल के थंबनेल्स देखे हैं। अब गाइस सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस थंबनेल के लिए देख सकते हो आप, थंबनेल तो हमारे पास ये पूरा बना बना है, ये ही हमने पिक्चर उस पर लगा देनी है। तो हमें कैप्चर पे क्लिक करना है, कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर लेना है। ये हमारा थंबनेल बन चुका है। चाहो तो आप लोग पिक्सल लैब के थ्रू भी थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लोग कहो तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब गाइस हम देखते हैं कि कैसे आप लोगों ने YouTube पे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आप लोग YouTube पे आना है। YouTube पे आने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर, जैसे ही आप YouTube को ओपन करते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को एक प्लस का ऑप्शन मिल जाता है बीच वाला, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप लोग को YouTube पे यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग अपलोड वीडियो पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को जो वीडियो हमने यहाँ पर बनाया है वो वीडियो यहाँ पे हमें आप लोग देख सकते हो, शो हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सेम चीज़ वही करनी है जो कि यहाँ पर आप लोगों ने टाइटल जो इसका मोटिवेशनल क्यूट्स है, चाहे तो आप यहाँ पर डाल सकते हो रिचर्ड ब्रांसन। एंड इसके बाद यहाँ पर आप लोग इनका जो क्यूट्स है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और इसके बाद जो यहाँ पर आप लोगों के वीडियोज़ पे वो व्यूज़ आएंगे वो बहुत ज़्यादा आएंगे, बिकॉज आप लोग इसको हिंदी में बताओ, पहले आप लोगों ने इंग्लिश में यहाँ पर इसको बनाया, उसके बाद आप लोग इसको हिंदी में एक्सप्लेन करो। इंग्लिश में यहाँ पर आपकी जो इंग्लिश ऑडियंस है वो भी यहाँ पर आपकी वीडियो को वॉच करेगी, जो हिंदी की ऑडियंस है वो भी इस क्यूट्स को समझने के जरिए आपकी हिंदी को भी वॉच करेगी। सो इससे जो आपके व्यूज़ है वो डबल हो जाएंगे, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ से आप लोग अर्निंग जनरेट कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे कैसे लोग पैसा बना रहे हैं कॉपी पेस्ट करके। कोई ज़्यादा मेथड नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने और बहुत अच्छी आप लोग अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो से अगर आप लोगों को सच में कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक कर देना और कमेंट प्यारा सा कर देना, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों ने वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा है। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।